ये है हमारा हार्ट और ये नीचे ऊपर इधर उधर जो पाइप्स दिख रहे हैं, दीज पाइप्स आर ब्लड वेसल्स, इन्हें हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड वेसल्स कुछ नहीं, ये एक तरह का नेटवर्क है, नेटवर्क ऐसा एक नेटवर्क है हमारे पूरे बॉडी में, एकदम नेट बना हुआ है, जाल बिछा हुआ है पूरे बॉडी में हमारे ना, नर्व्स, नर्व्स नहीं बोलेंगे, वेन्स, आर्टरीज ना, कैपिलरीज, इनका जाल बिछा हुआ है पूरे बॉडी में, हर जगह पे चारों तरफ ऐसा जाल बिछा हुआ है। अब मोटा मोटा है तो आर्टरी है, और एकदम पतला पतला है तो कैपिलरी है, और यही अगर ब्लू कलर में दिखा दे तो वेन होता है, यस नो, तो वो वेन होता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे इस सभी बातों का। जैसे ये हर जगह पे ब्रेन है हमारा, देखो ये आंखें हैं और ये ब्रेन है, ब्रेन में चारों तरफ ब्लड फैला, पूरे तरफ ब्लड का, आर्टरीज का, वेन्स का, कैपिलरीज का जाल बिछा, नेट है, नेट पूरा नेट बना हुआ है ना हर जगह पे, चाहे वो हमारी आंखें ही क्यों ना हो, आंखों के अंदर ही ब्लड आता है, ताकि अगर ब्लड इसमें आएगा तो आके इसको न्यूट्रिशन देगा। पढ़ा रहे थे ह्यूमन आई जब, तो आपको याद होगा हम कोरोइड के बारे में बताए थे, कोरोइड और एस्क्लेरा पढ़ाए थे, तो एस्क्लेरा बोले थे हार्ड पार्ट होता है और एस्क्लेरा के अंदर होता है कोरोइड, और कोरोइड में बोले थे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स। इसलिए बोले थे जब कभी हम पिक्चर लेते हैं तो देखिएगा आंख के अंदर रेड कलर आता है, रेड कलर, लाल रंग का ये प्यूपिल जलने लगता है, जैसे लाइक बल्ब जल रहा है। इसका मतलब ये हुआ ना कि जब हम लोग पिक्चर लेते हैं ना किसी चीज का, किसी भी ह्यूमन बीइंग का या किसी दूसरे जानवर का पिक्चर लेते हैं, तो अगर वो रिफ्लेक्ट कर गया, जाके कोरोइड से रिफ्लेक्ट किया, तो कोरोइड रेड कलर का होता है, सारा लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा और रेड कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए आंख लाल लाल मोती जैसे चमकने लगता है। तो वही बात है कि ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में हर जगह पे हैं।